एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक प्यारा सा बच्चा रहता था। उसका नाम था रवि। रवि को बर्ड्स बहुत पसंद थे। वो रोज उन्हें देखता था, उनकी आवाजें सुनता था। उनके रंग बिरंगे पंख देखकर उसे बहुत खुशी होती थी। रवि अक्सर पेड़ों के नीचे बैठ जाता था। वो बर्ड्स को उड़ते हुए देखता रहता था। कभी कभी वो उन्हें दाना भी डालता था। बर्ड्स भी रवि से घुल मिल गए थे। वे उसके पास आकर दाना चुगते थे। रवि के लिए बर्ड्स उसके दोस्त थे। वो उनसे बहुत प्यार करता था। एक दिन रवि खेल रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ पार्क में दौड़ रहा था, हंस रहा था और बहुत मजे कर रहा था। अचानक उसकी नजर एक बर्ड पर पड़ी। वो बर्ड जमीन पर पड़ा था और हिल भी नहीं रहा था। रवि ने देखा कि उसके पंख टूटे हुए थे और वो बहुत दर्द में था। वो बर्ड उड़ नहीं पा रहा था और बार बार अपने पंख फड़फड़ा रहा था। वो उड़ नहीं पा रहा था। उसकी हालत देखकर रवि को बहुत दुख हुआ। रवि को उस बर्ड पर बहुत दया आई। उसने सोचा कि अगर उसने इस बर्ड की मदद नहीं की तो शायद ये मर जाएगा। वो उसे घर ले आया। रास्ते में वो सोच रहा था कि इस बर्ड को कैसे ठीक किया जा सकता है। उसने एक डिब्बे में रुई बिछाई। उसने सोचा कि इस तरह से बर्ड को आराम मिलेगा और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर उसने बर्ड को उसमें रखा। उसने बहुत ही धीरे से और प्यार से बर्ड को डिब्बे में रखा ताकि उसे और चोट न लगे। रवि ने बर्ड के घावों पर दवा लगाई। उसने अपने घर में रखी दवाइयों का इस्तेमाल किया और बहुत ही सावधानी से बर्ड के घावों को साफ किया। उसने उसे पानी पिलाया और दाना भी खिलाया। उसने बर्ड के लिए एक छोटी कटोरी में पानी रखा और कुछ दाने भी रखे ताकि बर्ड को भूख न लगे। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि इस बर्ड का क्या होगा। वो बहुत चिंतित था और सोच रहा था कि क्या वो इस बर्ड को ठीक कर पाएगा। वो उसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने बर्ड की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी और हर दिन उसे दवा, पानी और खाना देता रहा। रवि ने बर्ड के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक जगह बनाई ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। अगले दिन रवि के घर के पास एक बर्ड चक्कर लगा रहा था। रवि ने खिड़की से बाहर देखा और देखा कि एक पक्षी लगातार उसके घर के चारों ओर उड़ रहा है। वह पक्षी बार बार एक ही दिशा में उड़ान भर रहा था, जैसे कि उसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण ढूंढना हो। वो बार बार आवाज लगा रहा था। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कि वह किसी को पुकार रहा हो। रवि ने ध्यान से सुना और महसूस किया कि पक्षी की आवाज में एक गहरी चिंता थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। पक्षी की आंखें चारों ओर घूम रही थीं, जैसे कि वह किसी को खोजने की कोशिश कर रहा हो। उसकी हरकतों से साफ था कि वह किसी अपने की तलाश में है। रवि ने ध्यान से देखा। उसने पक्षी की हरकतों को गौर से देखा और समझने की कोशिश की कि आखिर माजरा क्या है। रवि को लगा कि शायद पक्षी किसी मुसीबत में है। उसे समझ आ गया कि ये बर्ड उस घायल बर्ड का दोस्त है। रवि ने देखा कि पास ही एक और पक्षी था जो घायल था और उड़ नहीं पा रहा था। ये देखकर रवि को समझ में आया कि उड़ता हुआ पक्षी अपने घायल दोस्त की मदद करने की कोशिश कर रहा है। रवि ने उस बर्ड को डरकर भगाया नहीं। उसने सोचा कि अगर वह पक्षी को डराएगा तो वह और भी परेशान हो जाएगा। इसीलिए रवि ने शांति से खड़े होकर पक्षी को देखने का फैसला किया, बल्कि उसने उस बर्ड को अपने पास बुलाया। रवि ने धीरे धीरे अपने हाथ को बढ़ाया और पक्षी को अपने पास आने का इशारा किया। उसने पक्षी को यह महसूस कराया कि वह उसकी मदद करना चाहता है। उसने उसे दाना और पानी दिया। रवि ने जल्दी से कुछ दाना और पानी लाकर पक्षी के सामने रखा। उसने सोचा कि शायद पक्षी भूखा और प्यासा होगा। बर्ड ने रवि पर भरोसा किया और उसके पास आ गया। पक्षी ने रवि की नीयत को समझा और धीरे धीरे उसके पास आ गया। उसने दाना और पानी का सेवन किया और थोड़ा आराम महसूस किया। रवि ने उस बर्ड को इशारे से बताया कि उसका दोस्त उसके पास है। रवि ने पक्षी को इशारों में समझाया कि उसका घायल दोस्त पास ही है और वह उसकी मदद कर सकता है। बर्ड रवि को समझ गया। वो खुशी से चहचहाया। पक्षी ने रवि की बात समझ ली और खुशी से चहचहाने लगा। उसने महसूस किया कि अब उसका दोस्त सुरक्षित है और उसकी मदद के लिए कोई है। बर्ड रवि के पीछे पीछे उड़ने लगा। वो रवि को उस डिब्बे तक ले गया जहां घायल बर्ड था। घायल बर्ड को देखकर उसका दोस्त बहुत दुखी हुआ। वो अपने दोस्त के पास गया और उसे चोंच मारकर जगाने लगा। रवि को समझ आ गया कि ये बर्ड अपने दोस्त को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन घायल बर्ड उड़ नहीं सकता था। रवि ने सोचा कि वो इन दोनों दोस्तों की मदद कैसे कर सकता है। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। सेक्शन 5, अ ग्लिमर ऑफ होप। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ यंग बॉय नेम्ड रवि हु फाउंड अ वे टू ब्रिंग होप एंड कंफर्ट टू अ स्मॉल इंजर्ड बर्ड। रवि ने एक टोकरी ली। यह टोकरी उसकी मां ने उसे दी थी
जो उसने खुद अपने हाथों से बनाई थी। ये टोकरी बहुत ही खास थी क्योंकि इसमें उसकी माँ का प्यार और देखभाल बसी हुई थी। उसमें कुछ मुलायम घास बिछाई। रवि ने ध्यान से घास को टोकरी में सजाया ताकि घायल पक्षी को आराम मिल सके। उसने घास को इस तरह से रखा कि पक्षी को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। फिर उसने उस घायल बर्ड को उस टोकरी में रख दिया। वह पक्षी बहुत ही कमजोर और डरा हुआ था, लेकिन रवि ने उसे बहुत ही प्यार से टोकरी में रखा ताकि वह सुरक्षित महसूस कर सके। उसके बाद उसने उस टोकरी को पेड़ की एक मोटी डाल पर टांग दिया। ये पेड़ उसके घर के पास ही था जहां वह अक्सर खेला करता था। उसने सोचा कि यहां पक्षी सुरक्षित रहेगा और जल्दी ठीक हो जाएगा। रवि ने उस बर्ड के दोस्त को इशारे से टोकरी में जाने को कहा। उसने देखा कि घायल पक्षी का एक दोस्त भी पास ही था जो उसे देख रहा था। रवि ने उसे इशारे से बुलाया। बर्ड समझ गया और वो टोकरी में चला गया। वह पक्षी धीरे धीरे टोकरी की ओर बढ़ा और उसमें चला गया। उसने अपने दोस्त को देखा और उसके पास बैठ गया। वो अपने दोस्त के पास बैठ गया। दोनों पक्षी अब एक साथ थे और घायल पक्षी को अपने दोस्त का साथ पाकर बहुत सुकून मिला। वो उसे चोंच मारकर दिलासा दे रहा था। यह देखकर रवि को बहुत अच्छा लगा। उसने देखा कि कैसे एक पक्षी अपने दोस्त को दिलासा दे रहा था और उसे हिम्मत दे रहा था। रवि को बहुत कहुशी हुई। उसने महसूस किया कि उसने कुछ अच्छा किया है। उसकी छोटी सी कोशिश ने दो दोस्तों को फिर से मिलाया और उन्हें खुशी दी। उसने सोचा कि कम से कम ये दोनों दोस्त अब साथ हैं। रवि ने सोचा कि यह एक छोटी सी शुरुआत है, लेकिन यह एक बड़ी उम्मीद की किरण है। उसने सीखा कि कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। कुछ दिन बाद घायल बर्ड के पंख ठीक हो गए। वो फिर से उड़ने लगा। एक दिन रवि ने देखा कि दोनों दोस्त टोकरी से बाहर आ गए हैं। वे खुशी से उड़ रहे थे। वे रवि के आसपास चक्कर लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे रवि को धन्यवाद दे रहे हों। रवि ने उन्हें प्यार से अलविदा कहा। दोनों दोस्त आसमान में ऊपर उठते गए। फिर वे पेड़ों के पीछे छिप गए। रवि खुश था कि उसने अपने दोस्तों की मदद की थी। रवि ने इस घटना से बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा कि सच्ची दोस्ती बहुत कीमती होती है। एक सच्चा दोस्त हमेशा अपने दोस्त की मदद के लिए तैयार रहता है, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। रवि ने यह भी सीखा कि जानवरों में भी भावनाएं होती हैं। वे भी प्यार और दोस्ती निभाते हैं। हमें उनके साथ हमेशा प्यार से पेश आना चाहिए। रवि के मन में बर्ड्स के प्रति और भी प्रेम उमड़ आया। रवि अब बड़ा हो गया था, लेकिन वो उस घटना को कभी नहीं भूला। वो हमेशा अपने दोस्तों की मदद करता था। वो जानता था कि सच्ची दोस्ती जीवन का सबसे बड़ा तोहफा होती है। रवि ने ये कहानी अपने बच्चों को भी सुनाई। उसने उन्हें भी सच्ची दोस्ती का महत्व समझाया। उसने उन्हें बताया कि हमें हमेशा अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए, सुख में और दुख में। रवि के बच्चे भी अपने पिता की तरह नेक दिल के थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती बहुत अनमोल होती है। हमें अपने दोस्तों की कद्र करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि सच्चे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल होता है। हमें रवि से प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस तरह उसने बर्ड्स की मदद की, उसी तरह हमें भी जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। याद रखें, सच्ची दोस्ती